यही चाहते थे ना तुम और रुद्र? खुश हो आप? दुख तो इस बात का कि मैंने अपनी बहन को रुलाया, पर इस बात का सुकून है कि पूरी जिंदगी रुलाने से बचाया मैंने। अब तुम भी इस घर में हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बहू हो, सबका प्यार हो, सबका विश्वास हो। पर यह मत समझना कि मैं इस विश्वास को सबका दिल तोड़ने दूंगा। आलिया, आलिया, इट्स ओके। रुद्र ने तो कहा था हर शक का इल्जाम उसने अपने ऊपर ले लिया है, और अब रॉकी मुझ पर शक नहीं करेगा, तो फिर ये कैसे? इट्स ओके। रुचिका, आलिया को लेकर जा। इट्स ओके आलिया, इट्स फाइन, इट्स फाइन। आओ आलिया, सब ठीक हो जाएगा। और तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। Get out of my house! अगर मैं चाहता ना तुझे अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तरस खा रहा हूं तुझ पर, सिर्फ घर से बाहर निकाल रहा हूं तुझे। और ये मेरा रहमो करम मत समझ, ये कर रहा हूं मैं सिर्फ मेरी फैमिली की शांति के लिए। Get out! ऐसा नहीं माने धक्के मार के बाहर निकालो घर। Get out of the house! निकलो और अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है रुद्र। साउथ इंडियन एक्ट्रेस यहाँ बैठ के झग मार रही है, वहां तेरे रॉकी ने हमारी नागमनी की डुप्लीकेट चाबी को घर से धक्के मार के निकाल दिया है। उसका पहचान पत्र पता है ना तुझे? नहीं जज, नहीं पता था। अरे तूने तो उसका पहचान पत्र बनाया था, श्रीवास्तव को बेटे के नाम का ठप्पा लगाया था। ये जब से तूने ये नाग वाली बिंदी पहननी शुरू की है ना, तब से इस नाग ने तेरे दिमाग को पूरी तरह से डस दिया है। ओए बोल बच्चन, चुप कर। क्या बोली? जब से तू इस घर में आया है ना, मेरी किस्मत फूट गई, सांप पकड़ने वाले सपेरे बनकर रह गए। मैं नागमनी की बात कर रहा हूँ और तू सांप और सपेरे की बात कर रही है? आखिर नागमनी का नाग से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारी नागमनी की डुप्लीकेट चाबी, पता है कौन है वो? सांप। ये अपना साउथ इंडियन डांस बंद कर, नहीं तो पंजाबी भांगड़ा करना चालू कर दूंगा। अरे जो करना है करो, पंजाबी भांगड़ा करो, कुछ भी करो, लेकिन हाथ में सुपारी रख के करो, वरना वो सांप आपको डस लेगा। अरे हाँ, वही सुपारी जो उसने दी थी, आपका वो आधा जानवर आधा इंसान, उस सुपारी की वजह से आज मैं उस नाग को पहचान पाई। इसका मतलब नागमनी गई हाथ से? इस यामिनी की डिक्शनरी में गई कुछ भी नहीं, सब आई आई। अरे वो नहीं जानता कि मुझे पता है कि वो नाग है, और तो और उसके गर्दन में वो निशान भी है सूर्यवंशियों का, उससे तो हम नागमनी उठवा ही सकते हैं, है ना जेठ जी? नागमनी तो आधी आधी हमारी है, 50-50। ना ना ना, 33 का आंकड़ा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि नागमनी उठाने के लिए उस नाग को हमें कुछ देना पड़ेगा कि नहीं, लालच देना पड़ेगा। तो दे दो 100% का हिस्सा। देख, उसको ले चलेंगे, उससे नागमनी उठवाएंगे, उसके बाद मैं उसे उठा दूंगा। देख, मेरे पास है महिष का कवच, तेरे पास है गरुड़, ठीक है? तो उससे बड़े जानवर तो हम दोनों हुए। हाँ, है ना? करेक्ट। नागमणि का एड्रेस तो है मेरे पास, क्योंकि पिछली बार जब वो स्वयं प्रकाशित हुई थी तो शेषा ने मुझे बताया। लेकिन इस बार हम मणि तभी उठवा पाएंगे ना जब वो फिर से प्रकाशित होगी। ये सब कुछ कैसे होगा, कब होगा? अरे ये तो महिष गुरु के बाएं हाथ का खेल है। आज रात में उसको वहां पे लेके जाएंगे, उससे मणि उठवाएंगे और उसके बाद मैं उसे उठा दूंगा। बोल। हाँ, पर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? नंबर फोन लगा उसको। हाँ लगा। करेक्ट। हेलो,
भाई। आलिया कैसी है? बहुत दुखी है, लेकिन डोंट वरी, हम नहीं है उसके पास। उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ लाए थे हम उसके लिए। ये ब्रेसलेट उसके शादी में गिफ्ट करने वाले थे। कोई नहीं, शायद इसे देख के खुश हो जाए। लेकिन इसका गिफ्ट बॉक्स नहीं हमारे पास, और उसे सरप्राइज देना होगा तो कुछ पैक करना पड़ेगा। रुक, शिवांगी के कोई ज्वेलरी बॉक्सेस खाली है, मैं चेक कर लेता हूँ। कैसा रहेगा? जैसे दे दे भाई। आई थिंक आप देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आफ्टर ऑल आप उसे चेयर अप कर सकते हैं। अजर्द चंद्र की वो बड़ी रात जो 50 साल में सिर्फ एक बार आती है, आज की रात हम नाग नागिनों के लिए वरदानी। जैसे ही इस अर्ध चंद्र की चांदनी हम नाग नागिनों पर पड़ती है, हमारी शक्तियां 10 गुना और बढ़ जाती है। सांप की केंचुली? पर मैंने तो अपनी केंचुली नहीं छोड़ी, तो कहीं ये केंचुली उस नाग या नागिन की तो नहीं जो हमारे पीछे पड़ा है? शीशा, तूने वो कर दिया जो कोई ना कर सका। तुझे वो मिल गया जो किसी को ना मिला। बॉक्स कहाँ गए जहाँ मैंने अपनी केचुली रखी थी? अगर केचुली नहीं मिले तो मुझे मेरी शक्तियाँ वापस कभी नहीं मिलेंगी। मैं कभी वापस इच्छाधारी नागिन नहीं बन सकती। कहाँ गए? मैं कुछ ढूंढ रही थी। रुद्र से प्यार करती हो, ठीक है कर लो, उसके साथ जाना चाहती हो जाओ, अभी जाओ। इनफैक्ट जानती हो ना आज क्या हुआ आलिया के साथ? धोखा हुआ, दिल टूटा है उसका। तो थोड़ी देर अगर तुम और इस घर में रुक गई तो लोगों से तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम पर विश्वास करने लगेंगे, और जब तुम्हारा धोखा बाहर निकलेगा तो उनका भी दिल टूटेगा जिस तरह मेरा टूटा। रॉकी, रॉकी तुम गलत समझ रहे हो, मुझे भी आलिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो भी मेरे लिए कुछ मायने रखती है। नहीं, गलत। अगर मायने रखती तो तुम और रुद्र मिलकर उसे धोखा नहीं देते। शिवांगी, नहीं जानता कि तुम ऐसी कैसे हो गई, नहीं जानता हूं क्या बिगाड़ा मेरे घर वालों ने तुम्हारा। पता नहीं क्यों तोड़ रही हो तुम उनका दिल, लेकिन अब मैं तुम्हें उनका दिल नहीं तोड़ने दूंगा, उनके साथ धोखा नहीं होने दूंगा। तो बेटर यही होगा कि तुम इस घर को छोड़ के चले। अरे ओ, मरने से पहले ये तो बता नागमणि कहाँ है?
इंसान है या जानवर है, जो भी उसे रोक। इसने अपने सींग में रुद्र को उठा लिया है। ए मक्खी, ज्यादा भिन भिन मत कर। तूने कहा था ना कि मोटी हमारा काम आसान कर रही है, अगर नागमणि उठाती है तो उठाने दे, हम बाद में उठा लेंगे। तो जा, जाके उठा ले। यामिनी सच सच बता के रुद्र कहाँ गया? तुम यही थी ना, देख रही थी ना, उसे उठाकर भाग गया वो, चला गया वो। उस भैंसे को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो क्या करता, मार देता मुझे वो। ये तो गनीमत कहो कि मेरे पास भी कवच है, सुरक्षा कवच जो तुम लोग के पास है, वरना आज तो साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने मुझे साउथ ट्रांसफर करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। रे मक्की, मैंने कहा था ना ये ओवर एक्टिंग की दुकान फुल टू फ्लॉप है, इसका कोई भरोसा नहीं। ये दोनों मिलके मस्त पिक्चर बना रहे थे। मस्त नहीं, मस्ती। ये मस्ती पार्ट वन और ये मस्ती पार्ट टू। ये दोनों मिलके हम दोनों से छिपा के नागमणि उठाने लेके गए थे, और फिर रुद्र के साथ साथ नागमणि भी उठा ली। और जब तुम लोगों को पता चला कि रुद्र को पता है कि नागमणि कहाँ है, तो अब तुम दोनों नौटंकी कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ए, इसको चुप करा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो इसको ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ भेज दूंगा मैं। ए, चुप कर। ओवर एक्टिंग की दुकान का रिजेक्टेड माल बोला मेरे को। बुलाओ महेश को, फिर तुम दोनों जानवर लोग लड़ना उससे। तू क्यों इतनी चुप है? आगे पीछे बहुत बोलती, आज तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? देख यामिनी, धोखा मत दे। याद रख कि तुझे मैंने जिंदा किया था। नागमणि का असली हकदार मैं हूँ, तेरा ये फंटर पार्टनर नहीं। ए मक्खी, चुप कर नहीं तो एक ताली में मसल के रख दूंगा। ए ताली तूने मार दी है, अब देख मैं इस मोटी की बैंड कैसे बजा। अरे चुप कर, चुप करो तुम दोनों जानवरों। अरे मैं चुप हूँ इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दोनों बोलती जाओ। और तू मधुमक्खी क्या कह रही थी? तूने मुझे जिंदा किया? अरे कोई एहसान नहीं किया तूने मुझ पर। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि तुम दोनों जानवर वो नागमणि नहीं उठा सकते, इसलिए मुझे जिंदा किया। नागमणि की डुप्लीकेट चाबी मैंने ढूंढ निकाली, शिवांगी को मैंने पकड़ ही लिया था, नागमणि मेरे हाथ में ही थी। पर नहीं, तुम जानवरों को तो आदत है ना खड़े में टांग अड़ाने की, खड़े हो गए। ना ही आज तुम दोनों यहाँ आती, ना ही रुद्र वो नागमणि लेकर यहाँ से भाग जाता। आज वो नागमणि मेरे हाथ में होती। कैसे होती? हाँ कैसे होती? तूने अपने इस डुप्लीकेट जेट के साथ नागमणि के साथ रफू चक्कर होने का प्लान बना लिया था। रफू चक्कर हुआ तो नहीं हुआ ना? तो तेरा क्या भरोसा, रफू चक्कर हो जाती तो? देखिए मैंने नागमणि के असली हकदार महेशमती की रानी है, और नागमणि मैं लेकर रहूंगी। उसके लिए ताए तेरे जेट को या तेरे पेट को काटना पड़े, काट डालूंगी। क्या कहा तूने? पेट को काट देगी? अरे काटना पेट काट, मुझे काट। लेकिन नागमणि तुम दोनों को कभी नहीं मिल सकती। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो जानवरों, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं अपनी असली औकात में आ जाऊंगी। आज मैं ओवर एक्टिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है शेषाचल। क्या बात है मेरी साउथ इंडियन एक्ट्रेस, आज तूने इन दोनों को इनकी असली औकात दिखा दिया। अरे आप बंद हैं। अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखा दूंगी। अरे जब देखो चपाड़ 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 मारूंगी थप्पड़। सटक ली रहे, अगर तू यहाँ नहीं आता ना तो ये कुछ नहीं होता। मेरी दो असिस्टेंट्स वो काली नागी और वो माहिष्मती दोनों चली गई। अरे तू नहीं जानता कितने डेंजरस है वो, कहीं नींद में आकर ये लॉकेट निकाल कर मुझे मार कर दो गज जमीन के नीचे गाड़ दिया तो मुझे बचाने कौन आएगा। अरे तो अच्छा है ना, तू भी चली जाएगी तो नागमणि का असली वारिस मैं रह जाऊंगा। अरे ओ बुढ़े, सपने देखना बंद कर। उन दोनों जानवरों के हाथों मरने से पहले ये सोच, वो नागमणि हम कैसे हासिल कर सकते हैं? कैसे कर सकते? ना काम का ना काज का।
50 मन पैसे का, तो चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ। शेषना, इस नागमणि की रक्षा करते करते मेरे माँ बाबा ने अपनी जान दे दी। इसकी रक्षा करने के लिए आपने मुझे मेरी शक्तियां दी, मुझे इच्छाधारी बनाया। आज मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये नागमणि उन दुश्मनों से ले आई हूँ मैं, और आज इस नागमणि को आपके शरण में समर्पित करने आई हूँ। ओम नमः शिवाय। हे पूज्य देव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम ले सकूं। ओम नमः शिवाय। क्यों नहीं? उसने तो कहा था वो मुझे पंचनेर की सवेली के बाहर मिलेगा, फिर वो कहाँ है रुद्र? हे शिव जी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? ये तूफान अचानक कैसे? शिवांगी, जल्दी अंदर आओ। शिवांगी, तूफान बहुत भयानक है, खोल दरवाजा। शिवांगी, शिवांगी ये खुल नहीं रहा है। ओह गॉड, शिवांगी एक काम करो, तुम जाओ यहां से। शिवांगी तुम जाओ, देखो यहां आ रहा है नजदीक। प्लीज शिवांगी, प्लीज गो। शिवांगी तुम जाओ यहां से, तुम अपनी जान बचाओ। शिवांगी जल्दी तुम भागो यहां से। गो शिवांगी, प्लीज जल्दी तुम भागो यहां से। कैसे भी करें शिवांगी को बचाना होगा। शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी और रॉकी आ जाए तो फिर हम ये पूजा शुरू करें। बड़ी माँ, हाँ, ये कैसा व्रत है कि पत्नियां पतियों के लिए भूखी रह रही है, इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर पूजा कर रही है।
प्लीज हमें जाने दीजिए, आप लोग पूजा कर लीजिए प्लीज। माय डियर स्वीट हार्ट, ये पूजा सिर्फ पति के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए है, समझ गई? अब जाओ तुम दोनों, चलो। सॉरी। कहाँ है तेरे बहू बेटे, कहाँ है? आ रहे हैं अब। सुशांत एक काम करो ना, हाँ? एक बार फिर रॉकी को फोन लगाना। बड़ी माँ पिछले एक घंटे में 20 कॉल्स करती है, पता नहीं नॉट रीचेबल आ रहा है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, अगर तेरी ये पूजा शुरू नहीं हुई ना तो जिस कब्र से तुझे निकाला है यामिनी, उसी कब्र में वापस डाल दूंगी। चुप कर मक्खी, ये पूजा कैसे नहीं होगी? ये पूजा होगी, जरूर होगी। आखिर ये दोनों नेटवर्क से बाहर गए कहां? दिन रात में बदल जाएगा और तुझे कन खजूरों की चीखें सुनाई देने लगेंगी तो समझ जाना तू सही राह पर है। पर याद रहे ये रास्ता बहुत कठिन है, कदम कदम पर मौत है, भूल भुलैया तेरे सामने आएगी, तेरी राह भटकाएगी, बाधाएं तेरा रास्ता रोकेंगी, रास्ते भी खाई बन जाएंगे। यही वो रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। भ्रम तुझे भरमाएगा, जो दिखेगा वो होगा नहीं और जो होगा वो दिखेगा नहीं। एक ऐसा पड़ाव आएगा जब तेरी शक्तियां भी काम नहीं करेंगी, तब तुझे अपने इंसानी रूप में ही लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा तुझे। गुफा तक पहुंच गई।
जय भोलेनाथ, जय शेषनाग। शिवांगी, शिवांगी आ गई। शिवांगी, एक जरूरी बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। गुरुदेव ने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में पलट कर मत देखना। पर याद रहे, उससे पहले अगर ये भभूत खुल गई तो धुआं बनकर उड़ जाएगी। लगता है आधी भभूत धुआं बनकर उड़ गई है। अब मैं रुद्र को कैसे ढूंढूंगी? किस रास्ते जाऊं? रुद्र, शेष, शिवन्य, रुद्र, शेष, शिवन्य, रुद्र, शेष, शिवन्य।